अब आगे बढ़ेंगे राजधानी भोपाल से खबर। कांग्रेस प्रदेश सेवा दल के पूर्व मुख्य संगठक पर कार्रवाई हुई है। सत्येंद्र यादव को पार्टी से निकाला गया, पार्टी विरोधी काम करने के चलते कार्रवाई हुई है। सिंधिया के इस्तीफे के बाद छोड़ा था सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष का पद, अनुशासन समिति के गठन के बाद ये पहली कार्रवाई की गई। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश सेवा दल के पूर्व मुख्य संगठक पर कार्रवाई हुई है। सत्येंद्र यादव को पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी विरोधी काम करने के चलते उन पर गाजगिरी है, उन पर कार्रवाई हुई है। सिंधिया के इस्तीफे के बाद छोड़ा था उन्होंने सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष का पद, अनुशासन समिति के गठन के बाद ये पहली कार्रवाई की गई। राजधानी भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रभारी और सहप्रभारियों की बैठक ली, अपने अपने क्षेत्रों में निष्पक्ष रूप से चयन करें प्रत्याशियों का, कमलनाथ का ऐसा कहना है। वहीं प्रभारियों को उम्मीदवारों के नाम तय समय सीमा में भेजने होंगे, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ऐसा कहा है। और ये भी कहा कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को ही टिकट दिया जाएगा, नेताओं की पत्नियों को नहीं प्राथमिकता मिलेगी। बैठक में 20 जनवरी को भोपाल में होने वाले आंदोलन पर भी चर्चा हुई है। तो मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक ली। चलिए इस पर अधिक अपडेट के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे से। वासु, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार अपनी तैयारियां तेज करती जा रही है। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इस बैठक में फैसले लिए गए हैं प्रत्याशियों के चयन को लेकर, टिकट वितरण को लेकर। अब बिल्कुल समित, देखिए कांग्रेस को 15 साल बाद मिली सत्ता, महज 15 महीने में गंवाने के बाद और उपचुनाव में जिस तरीके के जो रिजल्ट्स आए जो कांग्रेस के फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहे, उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से अब सक्रिय हो गई। अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का, उत्साह लाने का जो काम है वो कांग्रेस के नेता अब करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत जो आने वाला नगरीय निकाय का चुनाव है वो कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कमलनाथ इस बात को भली भांति समझते हैं। इसलिए भले ही चुनाव अभी आगे टल चुके हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो सक्रियता है वो लगातार जारी है। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर जो प्रत्याशी चयन समितियां बनाई गई हैं और जो नगर निगम और नगर पालिका के कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिनमें पूर्व मंत्री और विधायक समेत जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं, उनकी आज एक अहम बैठक रखी गई थी। इस बैठक में महिला प्रभारियों को खासतौर पर बुलाया गया था। हर प्रत्याशी चयन समिति में एक महिला सह प्रभारी को रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण है 50% टिकट महिलाओं को दिए जाने हैं, तो कांग्रेस भी इसी बात पर फोकस कर रही है। और खासतौर पर कमलनाथ ने यह कहा है कि जो लोग सक्रिय हैं, लगातार पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं, उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। युवाओं का बोलबाला कांग्रेस के टिकट वितरण में कहीं ना कहीं रह सकता है, यह बात भी इस पूरी बैठक से निकलकर सामने आई है। प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया है कि तय समय सीमा के भीतर जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम पीसीसी प्रभारी उन तक पहुंचाएं। हम जानते हैं कि किसी भी चुनाव में प्रत्याशियों का चयन काफी महत्वपूर्ण होता है, और टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने सवाल उठाए थे उपचुनाव में और निकाय चुनाव में भी, यह कहा है कि अगर ऐसा होगा तो परिणाम भुगतने होंगे। वजह यही है कि कांग्रेस अब फोकस कर रही है प्रत्याशियों के चयन को लेकर। बिल्कुल सुमित, देखिए कांग्रेस ने इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है कहीं ना कहीं कि प्रत्याशी ही चुनाव जिताएंगे, और जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव होते हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत होते हैं, पार्टीगत बाद में होते हैं। किसी भी कैंडिडेट के फेस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि बहुत अधिक वोट्स नहीं होते, तो इसलिए ये बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक सही कैंडिडेट का चुनाव किया जाए। सही कैंडिडेट का चुनाव अगर कर लिया जाता है तो ये माना जाता है राजनीति में कि आधा चुनाव आप जीत चुके हैं, तो उसी तर्ज पर कांग्रेस अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर यही दिशा निर्देश दिए हैं कि सिर्फ सक्रिय लोगों को टिकट दिया जाएगा, किसी भी नेता या अन्य सोर्सेस से अगर कोई प्रत्याशी बनने की कोशिश करता है तो वो आधार नहीं होगा। जो प्रत्याशी चयन समिति बनाई गई है उन्हें साफ तौर पर दिशा निर्देश है कि सिंगल नाम आप तय कीजिए, अपने क्षेत्र में आप सिंगल नाम तय कीजिए और उसी ही पीसीसी को आगे बढ़ाइए। हालांकि कांग्रेस के जो क्षेत्रीय प्रभारी है, जिनके पास संभागों का प्रभार रहेगा, वो पूरे इस प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेंगे, और कांग्रेस के जो मध्यप्रदेश प्रभारी हैं मुकुल
वासनिक और उनके साथ जो चार सह प्रभारियों की टीम काम कर रही है, जो AICC के सचिव भी हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया में गंभीरता के साथ शामिल हैं और लगातार रूट लेवल पे पार्टी को मजबूत करने का जो काम है वो चल रहा है। ठीक है वासु, आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और साफ किया है कि सक्रिय सदस्य को ही, सक्रिय कैंडिडेट को ही यहां पर टिकट दिया जाएगा। अपने अपने क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से प्रत्याशियों का चयन हो और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को ही टिकट दिया जाएगा, नेताओं की पत्नियों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। PCC चीफ कमलनाथ ने ये अपने साफ शब्दों में कहा है।